गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स की आपकी एक्सरसाइज 8.3 कराई जा रही थी आपको। तो इसमें देखिए, मैंने आपका कौन सा फाइव तक क्वेश्चन करा दिए थे आपको, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, देखना है। सिंपथेटिक क्वेश्चंस काफ़ी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, द यील्ड ऑफ वीट फ्रॉम सिक्स हेक्टेयर्स इज 280 क्विंटल्स। ठीक है, यहाँ पे हमको लेना है हेक्टेयर्स, यहाँ पे क्विंटल्स ले लेंगे, चलिए कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हेक्टेयर्स कितना है हमारा, सिक्स, यील्ड कितनी है 280 क्विंटल्स। और यहाँ पे पूछा गया है आपको फाइंड द नंबर ऑफ हेक्टेयर्स रिक्वायर्ड, यानी कि एक्स वन वाई वन एक्स टू, ये निकालना है हमको 225 क्विंटल्स के लिए, 225 क्विंटल्स के लिए। अब जाहिर सी बात है, कोई भी फसल करते हैं हम उगाते हैं, तो अगर ज़्यादा खेत होगा तो ज़्यादा फसल उगा सकते हैं, कम खेत होगा तो कम फसल होगी। यानी कि एक चीज़ बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, और एक घटाएंगे तो दूसरी भी घटेगी। तो सीधा सीधा आपका कौन सा प्रोपोर्शन हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो रहा है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ था, एक्स वन अपॉन एक्स टू इज इक्वल टू वाई वन अपॉन वाई टू। फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स वन एक्स टू यानी कि सिक्स अपॉन एक्स टू इज इक्वल टू 280 अपॉन 225। आगे सॉल्व करते हैं इसको, एक्स टू इज इक्वल टू सिक्स इंटू 225 अपॉन 280। फाइव से करते हो 5 4 20, 5 4 20 हो गया, 2 5 5 4 25 हो गया, और यहाँ पे 5 5 4 25 और 3 5 6 30। तो ये हो गया आपका 6 × 45 / 56। इसको किससे काटते हैं, टू से कट कर सकते हैं, 2 3 6 उसे 28 बार कट जाएगा, तो 3 × 45 / 28 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 5 5 कैरी 1 135/28। ठीक है, तो 135/28 को सॉल्व कर लेंगे हम, तो लगभग आ जाएगा आपका 4.8 सॉल्व करके हेक्टेयर। ठीक है, तो ये तो आपका सिक्स वाला क्वेश्चन था, देख लीजिए। तो ये सिक्स वाला क्वेश्चन था, सिंपल था, देख लीजिए। सेवन वाला समझ लीजिए कि 15 आयरन बॉल्स ऑफ द सेम साइज वेट 10 kg 50 ग्राम, यानी 15 जो लोहे की बोले हैं अगर उनका वेट किया जाता है, और वो बोले कैसी हैं, सेम साइज यानी कि एक ही साइज की हैं, तो उनका वजन कितना होता है, 10 kg और 50 ग्राम। हाउ मेनी ऑफ देम विल वे 4 kg 20 ग्राम, हाउ मेनी ऑफ देम, तो उनमें से कितनी कितनों का वेट 4 kg और 20 ग्राम। ठीक है, ठीक है, तो इसको अरेंज करते हैं, फिर आपका सिक्स वाला क्वेश्चन कराना है, सेवन वाला सॉरी। चलिए सेवन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ नंबर ऑफ बॉल्स ले लेंगे, यहाँ वेट ले लेंगे। ठीक है, सेवन वाला नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 15, वेट कितना है 10 kg और 50 g है, तो 10.050 लिख सकते हैं हम इसको kg में टोटल। ठीक है, और यहाँ पे बॉल्स हमको निकालनी है, ये x2 निकालना है, और सीधा सीधा यहाँ पे कितना है आपका 4 kg, तो यहाँ 4.020 kg लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा बॉल्स होंगी तो वेट ज़्यादा होगा, कम बॉल्स होंगी तो वेट कम होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, x1/x2 = y1/y2 वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो 15/x2 इज इक्वल टू करना है 10.050/4.020। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाइए, तो x2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 15 × 4.020/10.050। देखिए यहाँ भी 3 डिजिट का पॉइंट है, यहाँ भी 3 डिजिट का पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, और ये इसको 15 से देखेंगे कटेंगे,
कट जाएगा 15 से 100 15 से 19 बचा कितना 10 बचा 15 से 100 5 वो 0 कट गई ये यहाँ 0 से 0 काटता हूँ 402/67 तो ये 6 टाइम्स ये कट जाएगा इससे आंसर कितना आ गया हमारा 6 बॉल्स कितना आ गया 6 बॉल्स ठीक है तो ये था आपका सेकंड वाला क्वेश्चन नेक्स्ट आप देखिए एट वाला क्वेश्चन समझ लीजिए ए बॉय कैन रन 49 मीटर्स इन 6.3 सेकंड्स यानी एक लड़का है वो 49 मीटर दौड़ सकता है कितने सेकंड्स में 6.3 सेकंड्स में ठीक है हाउ फार कैन ही रन इन 4.5 सेकंड्स वो 4.5 सेकंड्स में कितना रन कर सकता है जाहिर सी बात है ज़्यादा टाइम में ज़्यादा दौड़ेगा कम टाइम में कम दौड़ेगा प्रोपोर्शन कौन सा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ठीक है उसमें भी आपको कौन सा क्वेश्चन लगाना है x1/x2 जब पर y1/y2 वाला फॉर्मूला यूज करना है इसमें भी ठीक है देख लीजिए क्वेश्चन नंबर है आपका ये 8 वाला एक बॉय कैन रन मीटर्स में दिया है यानी कि डिस्टेंस ले लो यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ पे ले लेना है टाइम ले लेना है तो पहले है कितना आपका 49 मीटर्स है कितने सेकंड में 6.3 सेकंड्स में ठीक है और यहाँ पे फिर कितना पूछ रहा है कि वो कितना दौड़ सकता है तो 4.5 सेकंड्स में तो इसको मान लेंगे x2 और यहाँ ले लेंगे 4.5 वही फॉर्मूला यूज करना है आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला x1/x2 = y1/y2 ओके तो 49/x2 = 6.3 4.5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ हो जाएगा आपका x2 = 49 × 4.5 / 6.3 इससे इसको काट दीजिए तो 7 × 49 7 × 63 9 × 9 9 × 5 = 45 7 × 5 = 35 मीटर ठीक है तो ये कितना दौड़ सकता है 4.5 सेकंड में कितना दौड़ सकता है 35 मीटर ठीक है तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था 8 वाला है ये आपका कंप्लीट हो गया नेक्स्ट देखिए 9 वाला क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे देखिए 42 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू मेक 20 शर्ट्स ऑफ द सेम साइज यानी कि अगर 20 शर्ट बनानी है हमको सेम साइज की तो कितने मीटर कपड़े की जरूरत पड़ती है हमको 42 मीटर यानी 42 मीटर्स कपड़े की जरूरत पड़ती है हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 36 शर्ट ऑफ द सेम साइज तो 36 शर्ट बनानी है अगर उसी साइज की तो कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी जाहिर सी बात है ज़्यादा शर्ट बनाएंगे तो ज़्यादा कपड़ा यूज होगा कम शर्ट बनाएंगे तो कम कपड़ा यूज होगा ठीक है तो प्रोपोर्शन कौन सा आ रहा है इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो फॉर्मूला आपको वही यूज करना है इसमें भी कौन सा यूज करना है x1/x2 = y1/y2 वाला यूज करना है बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है ये आपके ठीक है तो यहाँ पे क्लॉथ 9 वाले में यहाँ क्लॉथ ले लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे नंबर ऑफ शर्ट्स ले लेंगे क्लॉथ कितना यूज हो रहा है पहले 42 मीटर कितनी शर्ट्स बन रही है इसमें 20 शर्ट सब शर्ट कितनी बनानी है 36 को कपड़ा निकालना है हमको यानी कि x2 निकालना है सेम फॉर्मूला डायरेक्ट प्रोपोर्शन का x1/x2 = y1/y2 यूज करना है x1 यानी कि 42/x2 = 20/36 यहाँ आ जाएंगे x2 निकालना है x2 = 42 × 36/20 ठीक है तो इसको कैसे कर सकते हैं हम 2 से करता हूँ 2 × 10 = 20 18 × 2 × 5 = 10 × 2 × 9 = 18 x2 = हो जाएगा आपका 9 × 18 का 8 = 9 4 = 36 7 × 5 से इसको कट कर देंगे 5 × 7 = 35 2 × 5 = 25 3 × 5 = 30 यानी कि 75.6 मीटर क्रॉस जो है यूज हो जाएगा कितनी शर्ट्स बनाने के लिए 36 शर्ट्स बनाने के लिए ठीक है तो ये 9 वाला क्वेश्चन आपका कैसा हो गया कंप्लीट अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपका 10th वाला लास्ट क्वेश्चन है ये आपका इस एक्सरसाइज का ए वर्कर अर्न्स ₹18,015 यहाँ पे लिख लेंगे थोड़ा 10th वाला वर्कर अर्न्स कितना ₹18,000 कितने दिनों में कमाता भाई 15 मंथ्स यानी कि 15 महीनों
ऐसा पूछा गया है हाउ मच डज ही अर्न इन 7 मंथ्स। तो यहाँ देखिए फर्स्ट वाला है आपका 7 मंथ का पूछा है कितना कमाएगा। तो भाई टाइम ज़्यादा कमाएगा, टाइम कम तो कम कमाएगा, तो 18,000 कमाता है 15 मंथ्स में, तो 7 मंथ्स में कितना कमाएगा। यहाँ पे एक्स टू निकालना है, वही फॉर्मूला x1 / x2 = y1 / y2। यहाँ पे यूज कर लो 18,000 / x2 = 15/7। यहाँ से x2 निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा 18,000 × 7/15। ठीक है, 35 + 15 ये 35 + 30 = 0 इसे काटो, x2 हो जाएगा आपका 8,400। यानी कितना रुपये कमाएगा 7 मंथ में, 8,400 रुपये को अर्न कर लेगा 7 मंथ में। ठीक है, बी है इन हाउ मेनी मंथ्स विल ही अर्न रुपी 30,000। ओके, यहाँ पे बी वाला समझ लीजिए, मतलब 18,000 कमाता है वो 15 मंथ्स में, तो 30,000 कितने मंथ्स में कमाएगा ये यहाँ पे आपको निकाल देना है। वाई टू फॉर्मूला वही यूज कर रहे हैं, x1 / x2 = y1 / y2। तो यानी कि 18,000 / 30,000 = 15/y2। यहाँ पे इसको थोड़ा सिंपल कर लेंगे, 1230 से 1230 y2, तो 18 बचा है ना 30 बचा, तो y2 अगर निकालेंगे y2 = हो जाएगा 40 × 30/18। ओके, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्व करके 2 × 9 = 18, 15 × 15 = 15 कितना हो गया 3 × 9 = 15 और 3 × 3 = 15 यानी कि 25 मंथ्स है। कितने मंथ्स में कमा पाएगा वो 25 मंथ्स में कमा पाएगा 30,000। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट था, इसका ए बी और एक्स्ट्रा 8.3 एंड आल्सो चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है आपका। ठीक है, अब कल से आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो भी होगा। ठीक है, और वीडियोस आप देखते हैं, लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और विदाउट स्किप किए इसको देखना है वीडियो को, अगर कुछ समझना है इनसे तो ठीक है, नहीं समझना तो आपकी इच्छा है, वर्क आपका जो कंप्लीट है आप कर सकते हैं, यहीं से कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।